everyone. Good evening. Am I visible and audible to everyone? Hi, Abhinav. Hello, everyone. Aratrik and Shri. Hi, everyone. Kaise hain sab? Am I visible, audible to anyone? Tell me. Okay. नहीं हूँ मैं विजिबल, अभी तक विजिबल नहीं हूँ. ओके, आई एम विजिबल नाउ. अच्छा, लेट ओपी तो तुम सब ऐसे लिखने लग गए ना, बिल्कुल टाइम पे आइए मैम. हाँ, मतलब मैम के एक मिनट पहले ही लेट ओपी कर दो. वाह वाह वाह, मैम लेट टॉपर्स. हाय वैभव, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड ओला रात्रि. कैसे हो आप सब? सब रेगुलर हो रहे दिन भर दिन. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अडैप्टेशन इन ऑल द एनिमल्स. जो भी फीचर्स होते हैं अडैप्टेशन के, उनके बारे में हम बात करेंगे आज. एंड ऑल्सो यस, यू कैन एस योर स्कूल विद अनअकैडमी प्लस, दैट इज दिस कोड फॉर गेटिंग 10% ऑफ. आगे बढ़ते हैं फटाफट से. गोलू मोलू मैम, कोई नहीं, बोल लो, कोई नहीं, कोई, इट्स ओके. हाय इशिता, हाय आयुषी, लेट ओपी, यस, आज जब मैं टाइम पे आ चुकी हूँ तो लेट ओपी, कोई नहीं, ठीक है. मैम प्लीज से हाय टू मी. हाय आदि, हाय प्रियंका, यस ग्लासेस है. ओके, अडैप्टेशन फीचर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. एंड सारे बच्चे मेरे आ चुके हैं सेशन में, और मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं क्योंकि मेरे को कोई दिख नहीं रहा है. ओके, एक मिनट, अब दिख रहे हैं सब. ओके, गुड इवनिंग लक्ष्य, गुड इवनिंग एवरीवन, हाय, हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. हाय प्रगति, हाय प्राची, चलो तो शुरू करते हैं. हाय प्रांजल. सो अडैप्टेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो कैरेक्टर की बात आप करते हो उस चैप्टर में, यू टॉक अबाउट ऑल द फीचर्स, बट अडैप्टेशन इज रिलेटेड टू योर हैबिटेट. जो भी आपके टाइप्स ऑफ हैबिटेट होंगे उस हिसाब से उनके फीचर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं अडैप्टेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो फीचर्स की बात हम करें, कौन से अलग अलग एरियाज में आपको कौन से अलग टाइप के एनिमल्स दिखते हैं. एंड हाँ, जैसे इंसानों में भी फीचर्स होते हैं कुछ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे ही एनिमल्स में भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं. लेट्स सी कि कैसे हम अडैप्ट होते हैं अपने एनवायरमेंट में. और ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर, तो अभी वी हैव टॉक्ड अबाउट गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, गेट ऑफ एनिमल्स एंड दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमने दो दिन के अंदर तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिए. तो यस, माई नेम इज स्मृति, आई एम योर साइंस एजुकेटर ऑन दिस चैनल. आई हैव डन मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम जामिया हमदर्द एंड बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड यस, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी रह चुकी हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. जैसे डक वीड इन वॉटर, यस प्रांजल, बात करेंगे, डोंट वरी, एक एक करके बात करेंगे. हाय आर्य, यस मेरी अटेंडेंस मॉनिटर आ चुकी है, तो सब अपनी अटेंडेंस आर्य को दे सकते हैं. मार्शी मैम, यस मार्शी मैम इज गुड. हाय अनुप्रिया, यस स्पेशल, अब इस बार स्पेशल टाइम पे आए, कि मैंने सुबह बोला था अटेंडेंस होगी, तो मैं देखूंगी कौन जल्दी आता है, तो स्पेशल राइट ऑन टाइम, क्या बात है. मैम की सेल्फी, मैम की सेल्फी, कहाँ है सेल्फी मेरी. आर्य खुद 2 मिनट लेट है, बट कोई नहीं. चलो, सो यूट्यूब स्केड्यूल इज सेम, दैट इज 11 बजे, और मैम शाम के 7 PM आती है. तो 11 AM 7 PM आपका फिक्स रहेगा हमेशा, इस मंथ के लिए तो फिलहाल फिक्स है. देन वी हैव टेलीग्राम का, जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चा, तो उसको जरूर चेकआउट करना. आप जैसे ही लिंक को क्लिक करते हो, आप ज्वाइन द ग्रुप आ जाता है आपका, और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स. एंड आस्क अराउंड फीचर आपका एक फ्री फीचर है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24/7 अवेलेबल है सबके लिए. हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, और जितने भी आपके डाउट्स हैं अनलिमिटेड पूछो, कोई भी मनाही नहीं है. ठीक है, तो आस्क अराउंड फीचर आपको कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में. बस आप एक दूसरे को बोलते रहो, मैम ये लेट है, वो लेट है. बग्स बाउंटी क्या है? बग्स बाउंटी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट वो रिमूव हो सके. ठीक है, चलो. सो अडैप्टेशन क्या है? अडैप्टेशन अगर मैं बोलूँ, क्या है अडैप्टेशन? लाइक आई सेड, नॉट ओनली एनिमल्स, हर जगह अडैप्टेशन फीचर्स आप देखते हो, वेदर इट्स योर प्लांट्स, इनफैक्ट हम भी, ठीक है, अडैप्ट होते हैं अपने एनवायरमेंट के हिसाब से. मैम चॉकलेट पॉपकॉर्न प्रेजेंट, यस अभिनव. अनुप्रिया ने बहुत ही प्यारी पोयम लिखी है मेरे लिए 1-2 घंटे पहले, एक्चुअली मैं सबको सुना देती हूँ. अनुप्रिया की पोयम है,
सब अगर सुनना चाहेंगे तो मैं बता देती हूँ अनुप्रिया की कहाँ पर है पोयम। यस, ये रही। तो अनुप्रिया ने कुछ लिखा है मेरे लिए, आवर स्मितु मैम। नाइस, दिस इज अ मैम आवर स्मितु मैम विच इज सो क्यूट लाइक अ फ्रूट। You make our future so bright like a light. And when you came in our life, our brain becomes sharp as knife. East or west, our Smitu ma'am is the best. Thank you so much, Anupriya. This is so lovely. मैंने reply भी किया है। मतलब कितनी मेहनत करते हो तुम poem लिखने में। Ma'am कहाँ पर है? Ma'am कहाँ पर है? ये हमारी पिछला जो session हुआ था 11 बजे उसमें है। Okay. मैम कैन यू मेक अ मॉनिटर ऑफ दिस क्लास? यस प्रगति बच्चा, आई थिंक रावत जी एक और मॉनिटर की हेल्प ले सकते हैं। प्रणाम पीयूष, प्रणाम। थैंक यू सो मच अनुप्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वाज अडैप्टेशन की मैं जो बात करी थी, दैट इज योर स्पेसिफिक फीचर्स। सर्टन हैबिटेट में आपको सर्टन फीचर्स दिखते हैं कुछ एनिमल्स के, राइट? अब आपको ये तो नहीं लगता है ना कि आपको पोलर बेयर यहाँ घूमते हुए दिख रहा हो, है ना? आपको ये तो नहीं दिखता कि कैमल आपको घूमते हुए दिख रहा हो, राइट? अब आपको नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, बट लेट्स से कि आप नॉर्थ इंडिया में हो, राइट? एंड वो सिटी एरिया है, अर्बन एरिया, राइट? आपको वहाँ पर कैमल या पोलर बेयर घूमते हुए दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? तो अडेप्टेशन फीचर्स भी आपको वहीं दिखते हैं जिस हिसाब से आपका हैबिटेट होता है, राइट? तो यहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट की हम बात तो करेंगे, उनके साथ फीचर्स की बात भी हम करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है? ऑल्दो हमारा फोकस ज्यादा एनिमल्स की तरफ रहेगा। चलिए, तो जो फिश के आपके स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी में ऐसे ऐसे करके, वो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो वो भी एक फीचर है फिश का। और जो बर्ड की इतनी बड़ी बीक होती है वो भी एक फीचर है, राइट? तो जैसे जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस हिसाब से उनके फीचर्स भी ग्रो होते हैं उनकी बॉडी के साथ। तो ये सारे फीचर्स हम अडेप्टेशन के अंदर ही बात करते हैं, ठीक है? तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स, इट कैन बी अ हैबिट, इट कैन बी अ सर्टन फीचर ऑफ योर बॉडी, ठीक है, विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। चलिए, वी एडजस्ट विद आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्ट। वेरी गुड वैभव, बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली आपने अपने लैंग्वेज में, वेरी गुड। आई एम सॉरी बट आई एम बिजी, यू आर ऑल्सो बिजी बट सॉरी, ओके ओके अभिनव, आई एम नॉट बिजी, मैं पढ़ा रही हूँ। चलो, यस, नो प्रॉब्लम। हाय जेमी, कैसे हो आप सब? चलो ठीक है, सो अडेप्टेशन की डेफिनेशन हो गई, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अब हम हैबिटेट्स की बात करने वाले हैं। यू नो कि बहुत सारे हैबिटेट है, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक, देन यू हैव योर माउंटेन्स, ठीक है, बहुत सारे, बहुत ही सारे। मेन कौन सा है? एक्वेटिक अलग और टेरिस्ट्रियल अलग, ठीक है, लैंड वाला अलग और पानी वाला अलग, ठीक है, हवा वाला भी अलग है, एरियल हैबिटेट भी अलग है। तो जो तीन चार मेजर कैटेगरीज है उनके अंडर बहुत सारे हैबिटेट आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। तो सराउंडिंग्स जो हमारे भी आसपास है, वहीं पर आपके एनिमल्स और वहीं पर आपके प्लांट्स भी रह रहे हैं, राइट? सो डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन, एंड द डेजर्ट हैव कैमल्स एंड माउंटेन्स हैव याक एंड गोट्स। उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं जो आपको दूसरे एनिमल में शायद दिखे या मे बी दिखे या ना दिखे, राइट? लेट्स सी। सो टाइप्स ऑफ हैबिटेट के हम जो बात कर रहे थे, यस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल तो मेजर है, वो मेजर कैटेगरी है, बट अगर आप देखो तो डिवाइड वो बहुत सारी कैटेगरीज में होता है, आपकी टेरेस्ट्रियल वाला भी, लाइक योर माउंटेन्स, ग्रास लैंड, उसके अंडर बहुत सारी कैटेगरी आती है, ठीक है? एक्वेटिक में आता है ओशंस अलग है, आपके लेक्स अलग है, ठीक है? तो बहुत सारी एक्वेटिक में भी कैटेगरी आती है जिसमें आप देखो कि फ्रेश वाटर वाले अलग होंगे, ठीक है, सॉल्टी वाटर वाले अलग हैबिटेट में रह रहे होंगे, राइट? उनके फीचर्स भी अलग अलग होंगे, जो सॉल्टी में रहते सलाइन वाटर में उनके अलग होंगे, एंड जो फ्रेश वाटर में रहते उनके अलग होंगे। लाइक लेट्स से आपके नेमो फिश जो है, आप सबने देखी है फाइंडिंग नेमो, तो आपकी नेमो फिश कहाँ पर रहती है? सॉल्टी पानी में, ठीक है? थैंक यू सो मच लक्ष्य। मेंटी होगा, मेंटी बिल्कुल राइट टाइम पे होगा, टेंशन मत लो, ठीक है? मेंटी की टेंशन तो मैं बहुत रहती है, डोंट वरी, मेंटी होगा। या सनफ्लावर टेरेस्ट्रियल, इशाना, टेरेस्ट्रियल आपका लैंड से रिलेटेड है। अब लैंड पर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी माउंटेन वाला लैंड, इट कैन बी योर ग्रास लैंड वाला लैंड, डेजर्ट वाला लैंड,
राइट, लैंड तो बहुत सारी है, ठीक है, उनका टेम्परेचर भी अलग है, वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर भी अलग होता है हैबिटेट का, लाइक डेजर्ट का अलग होगा, माउंटेन का अलग हो जाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम, राइट। टेरेस्ट्रियल के अंडर भी बहुत सारे आपकी कैटेगरीज हैं एंड एक्वेटिक के अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, मेंटी जल्दी हो जाएगा ताने, डोंट वरी, ठीक है। मेंटी होता ही आपको पता है, अब मेंटी मेंटी स्पैम करे क्या होगा जरा मेरे को बताओ, मेंटी होना ही तुम्हें पता है। मैम मुझे बॉडी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है। अच्छा, बॉडी मूवमेंट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चा, वो अभी एक ही पार्ट किया हमने, गेट ऑफ एनिमल्स, अभी हमें जॉइंट्स की बात करनी है, स्केलेटन की बात करनी है, सब बात करनी, डोंट वरी, ठीक है। मैम आज चॉकलेट मिल गई क्या, हैप्पी लग रहे हो आज? नहीं, मेरे को चॉकलेट तो नहीं मिली वैसे। वेरी गुड इशाना। अच्छा, अब हिंदी हो तुम स्पैम करोगे मेंटी मेंटी मेंटी। मैम एनिमल्स तुम्हारे सर में कौन सा एनिमल रह रहा है बच्चा, कौन से जीव की बात कर रहे हो आप, वो अलग है, ठीक है, उसके बारे में बाद में करेंगे, माइक्रो की बाद में बात करेंगे, बेड बग्स और वो सब उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, आई एम धैर्या बैक आफ्टर 3 months, ओह माय गॉड, 3 महीने बाद आप वापस आए हो हैबिटेट वाली क्लास में। हाय हार्डी, अरे थैंक यू सो मच चॉकलेट्स के लिए, थैंक यू सो मच, अब मिल गई मुझे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट है आपके, टेरेस्ट्रियल एंड यू हैव योर एक्वेटिक वाला भी, राइट। सो टेरेस्ट्रियल वाले भी जिसमें आपको बता दी थी इशाना, वी हैव डेजर्ट्स, उनकी अलग ही बात है, ठीक है, डेजर्ट्स में, एंड देन यू हैव योर माउंटेन्स एंड यू हैव योर ग्रास लैंड्स, ठीक है, सबका टेम्परेचर अलग है। ग्रास लैंड का क्या होगा, बीच में होगा टेम्परेचर, लाइक काफ़ी मॉइस्चर वाला, ह्यूमिडिटी वाला, राइट, अराउंड 30 or 35 डिग्री सेल्सियस। माउंटेन्स में क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप, राइट, बिल्कुल ही ठंडा, तुम्हारी मैम है यार पहाड़ों से, ठीक है, बहुत ही ठंडा होता है, चिल्ड बिल्कुल, ठीक है। उनके समर सीजन भी थोड़ा सा अलग ही होता है, ठंडा ही रहता है, और विंटर में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट में आपको पता है कि कितनी गर्मी होती है, स्पेशली दोपहर के टाइम पे, राइट, तो जो भी सैंड होती है वो भी पूरा हीटअप हो जाता है, तो डेजर्ट का एरिया अलग है, उसमें प्लांट भी आपको अलग अलग दिखेंगे, एनिमल्स भी अलग दिखेंगे, उन्हें फीचर्स भी अलग होंगे, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी जहाँ पर भी आप रह रहे हो, स्पेशली अगर आपकी जनरेशंस वहाँ पर रह रही हैं तो वो धीरे धीरे फीचर्स अडेप्ट करने लगते हैं। लेट्स से कि कोई स्पीशीज वहाँ पर सबसे पहले हुई थी डेजर्ट में, राइट, वो पहले उनने सर्वाइव किया, उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हुई उन्होंने सर्वाइव किया, ऐसे करते करते उनके फीचर्स परमानेंट होने लग गए, तो उसे कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। चलो, तो एक एक करके बात करते हैं। क्या बात है, अभी आपने ले लिया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड, अभिमन्यु बैच में घुस गए आप, क्या बात है। ओके, मैम प्लीज कल का स्पेल भी करा दो, आपको पता है कि कल मैं, अरे लक्ष्य डोंट वरी, आई नो बच्चा, आई नो, स्पेल भी अगर मैं एक और बार कराऊंगी ना, मैं पक्का देखूंगी लक्ष्य है कि नहीं, डोंट वरी, ठीक है। आई गॉट 79.5 out of 80, वेरी गुड श्रेया, बहुत ही अच्छे मार्क्स है, राउंड ऑफ करके 80 हो गया। यस आदि, यस अपना डाउट पूछे, डोंट वरी, यही हूँ मैं, यही हूँ, पूछे। मैम फोन लटका है क्या फ्लो चार्ट में, ये फोन नहीं है बच्चा, आई थिंक पैशल को अभी नया नया फोन मिला है, तो हर जगह फोन ही दिख रहा है पैशल को। आई एम डूइंग गुड हार्डी, मैम इट्स माई बर्थडे टूडे बट स्टिल आई एम स्टडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी विद माई फेवरेट SM राणा मैम, अगर ये सच है वैभव तो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप हो यहाँ पर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी रावत जी, तो आगे बात करते हैं हम, ठीक है, कर लें आगे बात, चलो ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं आपके ये 3, और एक्वेटिक में लाइक आई सेड ओशंस एंड पॉन्ड्स, या इन शॉर्ट फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ, माउंटेन्स की बात करते हैं ना, खुशी आ जाती है मेरे अंदर। ओके, माउंटेन रीजन्स अगर आपने एक बार भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, आप कभी ट्रिप में गए हो, कभी नॉर्थ इंडिया भी गए हो, तो आपने देखा होगा
ये काफी ठंडे और काफी विंडी और स्नोफॉल स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइम पे होती होती है, तो स्नोफॉल देखने तो जाते हैं लोग, राइट? तो स्नोफॉल कोल्ड टेम्परेचर, मोस्टली पूरे साल कोल्ड टेम्परेचर रहता है. एंड अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होते हैं, उनके फीचर्स कैसे होते हैं, लाइक प्लांट्स के तो कुछ ऐसे होते हैं कि स्पाइक्स कॉनिकल आपको शेप दिखेंगे ट्रीज के, राइट? ऐसे दिखेगा, राइट? आपको मोस्टली कॉनिकल शेप वाली ट्रीज वहां पर दिखेंगी. यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ, स्प्रूस कहते हैं उन्हें, लाइक योर क्रिसमस ट्री, राइट? क्रिसमस ट्री को कौन सा टाइप होता है वो ट्री, वो स्प्रूस टाइप होता है. तो स्प्रूस वही होता है जो आपके ऐसे शेप में होता है, राइट? तो वो कहाँ मिलते हैं आपको, माउंटेन्स, पहाड़ों में आपको ऐसे टाइप की ट्रीज देखने को मिलते हैं. देन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर निडल लाइक शेप, निडल जैसी शेप होती है, पतली पतली पतली, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फैला हुआ पत्ता नहीं होता, इट इज लाइक निडल. कहाँ मिलते हैं, माउंटेन रीजन में, ठीक है? तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स कहाँ के हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के भी, सारे आपके माउंटेन रीजन के. अब एनिमल्स की बात करूँ तो आपका है पोलर बियर, तो एक्सट्रीम हो गया, थोड़ा एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है पोलर बियर. देन यू हैव योर याक एंड माउंटेन गोट्स, राइट? माउंटेन गोट्स के आपने ये देखे, ये आपको ऊपर दिख रहे हैं, मैं इसको जरा जूम कर देती हूँ, एक मैं जूम कर देती हूँ इसे, ओके. सो ये जो आपको दिख रही है क्या, ये गोट ही है, बट ये क्या है नीचे से बॉटम में, दीज आर नोन एज योर हूफ्स, इसे हूफ कहते हैं, ठीक है? मैं इसको येलो में लिख देती हूँ, दिस इज योर हूफ, ठीक है? इसे कहते हैं हम हूफ. ये आप कहाँ दिखते हैं, सिर्फ माउंटेन गोट्स या गोट में पर्टिकुलरली, राइट? सो माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर क्लाइंबिंग रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन, सो जहां पर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है ना. I have no clue, Lakshya. Spruce, bacha, one of them is your sare Christmas trees are spruce only. Spruce is a type of tree. Theek hai? It is hoof, not hoops. Swana, theek hai? Hoops mat bolna, it is hoof with F letter. Theek hai? You are from Delhi, okay, okay. To aapko pata hai sabko. मैम योर वॉइस इज सिमिलर टू नोबिता. ओहो, ठीक है, मैं तुम्हारी नोबिता, ठीक है? ओके, सो हूफ इज समथिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो मोस्टली आपको गोट में दिखेगा. एंड इट इज वेरी गुड फॉर द क्लाइंबिंग, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है. तो ऑफकोर्स अगर उन्हें क्लाइंबिंग करनी होगी तो उनके लिए ज्यादा आसानी होगी. स्नो लेपर्ड, एक बार मैंने क्या किया था, थैंक यू सो मच ईशाना, एक बार मैं जब अपने पहाड़ों में गई थी तो मैंने शूज़ के जगह अपनी सैंडल्स पहन ली थी, एंड इट हैड अ फ्लैट बेस एक्चुअली, तो मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स तो स्लिप हुई थी और मैं बच गई थी. तो यस, मतलब मेरे को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो शूज़ आर वे बेटर फॉर माउंटेन्स. तो यस, ग्रिप की बात हो तो माउंटेन में ग्रिप तो रखनी पड़ती है, स्पेशली चढ़ाई करते वक्त जो स्टीप होता है आपका माउंटेन, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वे एनीथिंग जो स्लिप होता हो, ठीक है? सो स्नो लेपर्ड भी आपका है, यही पर मिलता है आपको माउंटेन रीजन में. तो सारे प्लांट्स और ये सारे आपके एनिमल्स क्या है, आपके माउंटेन रीजन के एग्जाम्पल्स है. और ये क्या है, फीचर्स, अडेप्टेशन फीचर्स है, कि ये फीचर किसी वजह से है वहां पर, वहां सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव डेजर्ट एनिमल्स, तो मेरे को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में. वाई? बिकॉज आप सबको पता है कि डेजर्ट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? आपके सारे जितने प्लांट्स हैं, ओके, सो यस, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डेजर्ट, आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपके प्लांट्स हैं, यहाँ पर आपके एनिमल्स हैं. तो प्लांट्स में क्या होता है आपके हिसाब से, डेजर्ट में आपको पता है टेम्परेचर इज वे टू हाई, राइट? तो वहां पर हमें पानी की कमी जरूर होगी डेजर्ट में, आपने बचपन से ही सुना होगा डेजर्ट में पानी की कमी होती होती है. द थिंग इज, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्यास भी लगने लगती है. ऐसे ही प्लांट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर पानी की कमी है देन दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी पानी लॉस वाला सिस्टम है, लाइक योर ट्रांसपिरेशन, लाइक योर यूरिन, ठीक है? तो पानी कम लूज होना चाहिए बॉडी से, राइट? तो ट्रांसपिरेशन भी कम होता है प्लांट्स में, जो आपका वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हो जाता है पानी, वो भी कम होता है डेजर्ट एरिया में, ठीक है? और जो एनिमल्स में जो यूरिन का सिस्टम है वो भी वो कम ही होता है, ठीक है? मोस्टली मतलब 95% जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, दे मेक श्योर कि पानी की जो आपका लॉस है वो थोड़ा कम हो, ठीक है?
I have a desert tortoise. Okay. अगर कैक्टस अडेप्ट करेगा दूसरा हैबिटेट तो आई थिंक उसको काफी सरवाइव करना पड़ गया. अगर सरवाइव कर गया आपका कैक्टस, लेट्स से वो कहीं पर नॉर्मल ह्यूमिडिटी वाले रीजन में सरवाइव कर सकता है ऐसे, बट अगर वो कर रहा है तो उसने भी अडेप्ट करा होगा चीज़ों को. और अगर वो उसके अडेप्टेशन के बाद सर्वाइव कर गया तो उसके आगे की जनरेशन भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सट्रीम हैबिटेट में नहीं जा सकता कि डेजर्ट वाला प्लांट बिल्कुल आप माउंटेन रीजन में फेंक दो. ठीक है, सेम स्पीशीज ऐसा इतना तो एक्सट्रीम नहीं जा सकता, पर जो ह्यूमिड वाले रीजन है उसमें एक बार को सर्वाइव मे भी कर जाए. तो अगर वो सर्वाइव कर गया तो उसने अडेप्टेशन उसकी सक्सेसफुल हुई और उसके आगे की जनरेशन भी सर्वाइव कर पाएगी. ठीक है, अगर ऐसे माउंटेन रीजन का कोई भी डॉग ब्रीड कुछ भी लेके आ गए, लाइक दिल्ली में, लेट्स से दिल्ली में लेके आ गए, दिल्ली का टेम्परेचर इज नॉर्मल, ठीक है, कई बार गर्म हो जाता है, कई बार इज ह्यूमिड. ठीक है, तो अगर आप कोई डॉग ब्रीड भी लेके आ गए किसी और रीजन से जो कि बहुत ठंडा है, तो उन्हें भी ठंडे में ही रखना पड़ता है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल द एनिमल्स. ठीक है, बहुत सारे हैं आपका साउथ अफ्रीकन लायन, सैंड कैट, एंड देन वी हैव डेजर्ट टोर्टोइस, एंड बहुत सारे हैं, लाइक टोर्टोइस एंड टर्टल्स आपने देखा होगा, कॉमन है थोड़ा सा, एंड डेजर्ट स्पाइनी लिजर्ड तो बहुत सारे होते हैं, और स्नेक्स भी बहुत सारे होते हैं आपके डेजर्ट में. चलो, ये तो आपकी बात हो गई. किसका बर्थडे मना रहे सब? हैप्पी बर्थडे शुभी. अभी फिलहाल तो मेरे पास प्लांट की पिक्चर के लिए तो यही है बच्चा, बट नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगी आपको सारी फोटोज. मैम, इनविजिबल बॉटल आपने हॉगवर्ट्स से मंगवाई? हाँ बच्चा, वहीं से मंगवाई मैंने. ओके, नाउ यू हैव योर एक्वेटिक हैबिटेट, तो उसमें आपको क्या कॉमन दिखता है? सो एक्वेटिक एनिमल्स आपके होते, दे लिव इन वाटर ऑफ कोर्स, बट दे ब्रीथ फ्रॉम गिल्स मोस्टली. बट जो आपके डॉल्फिन्स और वेल्स है वो तो आपके गिल्स नहीं यूज करते, दे यूज देयर लंग्स. तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो लंग्स यूज करते ना कि गिल्स. ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है घुमा फिरा के. तो दीज आर योर वेल्स एंड ऑल द डॉल्फिन्स, दे डोंट यूज द गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन. ओके, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स. आपने देखा होगा, लाइक दिस इज योर फिश, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके निकले हुए होते हैं उनके. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फिन्स. ये मूवमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, लाइक जब वो ऐसे मूव करते हैं ऑल्टरनेटिव लूप्स बनाते हुए, तो ये जो फिन्स है ये बहुत हेल्प करते हैं मूवमेंट में और स्टेबल रखने के लिए. तो फिन्स आप यहाँ पर देखोगे, ये छोटे छोटे फिन्स होते हैं उनके, तो ये भी एक अडेप्टेशन है. ठीक है, एंड फिश हो, ऑक्टोपस हो, टर्टल क्रैब्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है कहाँ के? एक्वेटिक हैबिटेट के. ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया हो. यस, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट थे आपके. हाय प्राची, आई एम गुड. हाँ हाँ आशिता, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो. आशिता का ही डाउट आ गया सामने, बायोटिक एंड एबायोटिक. थैंक यू प्राची. सो टेल मी, आशिता बोलिए बच्चा बोलिए, कहाँ है आशिता का डाउट? मेरे को तो नहीं मिल रहा. आप बच्चे एक बार डाउट रिपीट कर दो. मैम आपके दोनों मॉनिटर जयपुर से हैं, ठीक है, और भी अच्छी बात है फिर तो. हाँ, सुबह वाली क्लास में एक तो आपने बायोटिक एबायोटिक बोला था मेरे को, और दूसरा क्या बोला था एक बार रिपीट कर दो. अरे बच्चा, एक तो सब अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, इतने में डाउट पूछ लो. यस अशिता, यस अशिता इज टाइपिंग. ओके, सो यस, ये लास्ट टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक. आई रिमेम्बर कि अशिता का एक डाउट पार्ट जो था वो बायोटिक एबायोटिक के ऊपर था. द थिंग इज, आपका बायोटिक एबायोटिक में क्या फर्क है?
बायोटिक में होता है कि जितना आपका लिविंग चीज है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जेलीफिश, जितना आपका लिविंग कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का, वो सारा आपका बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अंदर आता है। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आएगा जो भी आपका नॉन लिविंग है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये जो भी आपकी टर्म्स है जो डिस्क्राइब करते हैं आपका इकोसिस्टम भी इक्वली, बट ये लिविंग नहीं है। लाइक सॉइल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, है ना, क्लाइमेट, ये सब आपकी टर्म्स कहाँ पर भी लिविंग चीज थोड़ी है कोई, राइट? तो ये सारे आपके क्या है, एबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो ये दोनों ही चीजें बच्चा इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी सनलाइट नहीं होगी, आपका क्लाइमेट की बात नहीं करेंगे, अगर सॉइल ही नहीं होगा तो ये बाकी चीजें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एबायोटिक फीचर्स, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, बट इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है? बायोटिक का क्या है, लिविंग, एंड एबायोटिक इज एवरीथिंग दैट इज नॉन लिविंग अराउंड यू, ठीक है? आशिता बच्चा आपका डाउट आ गया, हाँ मैं सबको इग्नोर कर रही हूं, मैं सबको इग्नोर कर रही हूं और मैसेज भी देख रही हूं। ओके, सो दिस इज योर लिविंग, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने सुना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी गया, एक की भी कमी होगी। क्या आप सोचो मैम सिर्फ लिविंग चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नॉन लिविंग ना हो तो फिर तो लिविंग लिविंग नहीं रहेगा, ठीक है? ओके, जीविका आई एम वर्किंग ऑन इट एक्चुअली। लाइव रखनी है या रिकॉर्डेड रखनी है आपकी टाइम टेबल वाली वीडियो? ओके, सो गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ। सो आज है, ठीक है, आज है 4, राइट? तो अराउंड 7, 8, 9, 10, आफ्टर 10 मैं कर पाऊंगी। नहीं डॉक्टर पाल, जू प्लैंकटन्स मेरे एग्जाम में आया था, मुझे लगा प्लांट्स का जू है कोई। ऑयस्टर्स आर एक्चुअली सॉल्ट वाटर में ही होते हैं स्पीशीज भी, आपने देखा होगा ऑयस्टर्स कुछ लोग खाते भी हैं एक्चुअली, वो बिल्कुल ऐसे शेल होता है उनके अंदर, बहुत बहुत ही शेल के जो अंदर होता है काफी चिपचिपा म्यूकस जैसी चीज होती है अंदर, एंड वो मोलस्कस फैमिलीज के अंदर ही आते हैं एंड लिव इन सलाइन वाटर, तो स्पीशीज है एक्वेटिक हैबिटेट की, ठीक है? लाइव रखना है, चलो ठीक है जीविका। मैम कल वर्ल्ड टीचर्स डे, यस अनुप्रिया आपने सही याद दिलाया, एक्चुअली कल वर्ल्ड टीचर्स डे है, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बच्चे ये इस चैप्टर का तो नहीं था, ठीक है, बट आपने बायोटिक और एबायोटिक बोला था, आई थिंक वो तो हो गए। कम्युनिकेबल मैंने आपको बताया था बच्चा आशिता, कम्युनिकेबल आपके देखो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, कैंसर, डायबिटीज वगैरह कम्युनिकेबल तो होती नहीं, बाकी कम्युनिकेबल के बहुत सारे तरीके होते हैं, वेदर इज फ्रॉम योर नोज या सलाइवा, बहुत सारे मोड्स होते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इवन जो हमारा वायरस चल रहा है वो भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर नहीं होता तो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता वो। बट आपको ध्यान रखना है कि कैंसर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, आपको जो स्ट्रेस से होता है, ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेबल नहीं होती, राइट? ओके, सो मैं शुरू कर देती हूँ इससे पहले, इससे पहले सब बोले कि मैम मेंटी कब होगा। ओके, सो मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ जल्दी से, एंड आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट आर अडैप्टेशन, ठीक है, अडैप्टेशन फीचर्स कौन कौन से हैं। लाइक यहाँ पर क्या, पर एक पेंगुइन है, ठीक है, सामने वाइट कलर का एंड वाइट एंड ब्लैक कलर का, तो इसका कलर क्या है, कलर किस चीज में हेल्प करता है पेंगुइन की, कॉमीफ्लैज। कॉमीफ्लैज क्या होता है, इट इज समथिंग जो हाइड करने के लिए वो यूज करते हैं। लाइक आपको पता है कि कमेलियन
एंड पेंगुइन, सबके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं. पोलर बेयर के भी वाइट कलर होता है. द थिंग इज स्नो पे छुप पाते हैं, प्रीडेटर से वो छुप पाते हैं. स्नो में जो वाइट कलर होता है उसके साथ वो ब्लेंड हो पाते हैं, दैट इज कैमोफ्लेज. ठीक है, फोर लिम्स दे आर मॉडिफाइड एज अ फ्लिपर, जिससे स्विमिंग में वो हेल्प करते हैं. एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज फॉर द वॉर्म. अच्छा, जो आपकी स्किन होती है पेंगुइन की, वो काफ़ी जो थिक, अगर थिकनेस ना हो स्किन की तो वो बच नहीं पाएंगे. ब्लैंकेट जैसे आपका जितना थिक होता है उतना आपको सर्दी से बचाता है, ऐसी उनकी स्किन भी उन्हें बचाती है. देन दे हैव हिंड लिम्स, जो नीचे के लिम्स हैं उन्हें कहते हैं हम हिंड लिम्स. ठीक है, दे हैव वेब्ड फीट विच ऑल्सो हेल्प्स देम इन स्विमिंग. ठीक है, यस बच्चा प्लीज आस्क योर डाउट. इट्स ओके आशिता, नो वरीज. इट्स ओके शाना. सो यस, लाइक आई वॉज सेइंग कि कॉमी फ्लैज एंड देन यू हैव योर माइग्रेशन एंड व्हाट एल्स, चेंजिंग कलर्स, और भी टर्म्स थे जो अभी आएंगे आपके मेंटी में. ठीक है, ध्यान रखना. एंड अडेप्टेशन एंड मिमिक्री, कुछ एनिमल्स एक्चुअली कॉपी भी करते हैं तो वो भी एक अडेप्टेशन का ही फीचर है. मिमिक्री एंड अडेप्टेशन के बहुत सारे फीचर्स. देन यू हैव योर कॉमी फ्लैज एंड माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए ही होती है. ठीक है, सो कॉमी फ्लैज इज समथिंग जिससे वो हाइड हो पाते हैं कहीं पर भी. ठीक है, एंड आपको मैंने बताया फोर लिम्स क्यों मॉडिफाइड है फॉर द स्विमिंग, और हिंड लिम्स भी, एंड उनकी फैट वाली स्किन क्यों होती है, ताकि वो बच सके इतनी सर्दी में. ओके, चलिए. हाय हाय पंखुड़ी, कंग्रेचुलेशंस. ओके, यू आर न्यू. ओके ओके ओके, या रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वेरी गुड वैभव. ओके, तो शुरू करते हैं. अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो. प्लस में यू हैव ऑल द फीचर्स, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यू हैव योर बैचेस. अभी ने एक्चुअली ज्वाइन भी कर लिया बैच को एक, जो अभिमन्यु बैच चल रहा है. 6, 7, 8 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर द अक्टूबर नवंबर मंथ. देन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हमारी तरफ से. डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ रेज अ हैंड फीचर भी है, जिसे आप डायरेक्टली एजुकेटर्स से पूछ सकते हो. ये सारे फीचर्स आपके प्लस में आते हैं. एंड देन यू हैव योर प्राइजिंग है, नो कॉस्ट EMS देयर. एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड SMRANA टू गेट 10% ऑफ, राइट. एंड आइकॉनिक में यू गेट 1-on-1 की गाइडेंस, मतलब आप ही के लिए स्पेशली एक एजुकेटर, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर होंगे सामने, आपके होमवर्क के लिए हेल्प करेंगे और आप ही को पर्सनल अटेंशन मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, ऑल द बेनिफिट्स. यू कैन एक्चुअली अब अपना टाइम सेट कर सकते हो, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, जो भी आपको लेना है. ठीक है, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर का जो भी सेशन होगा आपके लिए पर्सनल मेंटोर का, उसके आप सेट कर सकते हो टाइम, उस हिसाब से आपको एजुकेटर मिल जाएंगे. एंड पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा, स्टडी प्लानिंग रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर इन आइकॉनिक. ठीक है, तो 1-on-1 लाइव होमवर्क होगा, इसमें आप खुद टाइम सेट कर सकते हो. ठीक है, तो जिसकी भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपके लिए फटाफट आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ मिलता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. ओके, इसके भी आपके प्राइजेस यहाँ पर दे रखिए, नो कॉस्ट EMI अगेन. एंड फ्री फीचर्स आपके सामने है. फ्री फीचर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी आता है, स्पेशल क्लासेस भी आती हैं. स्पेशल क्लासेस में बहुत ज़्यादा रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ. यू कैन आस्क एनी डाउट्स, एंड ऑल्सो लाइव पोल ऑप्शंस भी होते हैं आपके स्पेशल क्लासेस में, राइट. एंड लीडर बोर्ड भी आता है यहाँ पर, LB. इसकी मैं आपको बैचेस, और आई एम सो सॉरी, एक्चुअली बैचेस नहीं, स्पेशल क्लासेस की जितनी भी क्लासेस है अक्टूबर की, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी. ठीक है, चलिए. फ्री कॉन्टेंट आप अनलॉक कर सकते हैं इस कोड के थ्रू. चलिए, आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है, फिर अपना गोल सेलेक्ट करना है. देन यू हैव टू प्रेस द मेन्यू बटन एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट स्पेशल क्लासेस, दैट इज ए फ्री क्लासेस. ठीक है, तो अनलॉक हो जाएगा. चलिए, दीज आर ऑल द अपकमिंग बैचेस फॉर ऑल द 6th to 7th and 8th स्टूडेंट्स. सारे बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं. यू आर हैप्पी, चलो बहुत बढ़िया. एंड ट्रिपल धमाका ऑफर, आप सबको पता है आज लास्ट डेट है. ट्रिपल धमाका एज इन 12, 15, 18 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ्स आपको और एक्सटेंडेड मिलता है, एंड 4 मंथ्स आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी मिलता है. प्लस यू कैन यूज द 10% ऑफ डिस्काउंट. चलो,
इतनी मैंने फास्ट गाड़ी भगाई है आपकी। ओके द थिंग इज राजेश, लाइक यू ऑल नो कि कैक्टस वगैरह उनमें लीव्स नहीं होते, राइट? तो लीव्स अगर नहीं होती तो लीव्स के जगह कोई कहीं और जगह से आपकी फोटोसिंथेसिस होगी। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस आपका नॉर्मली लीव्स के थ्रू होता है, बट अगर लीव्स नहीं है तो क्या करेंगे हम, राइट? तो स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक ही मोड रहता है उनका, स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस करें, नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से बनेगा, राइट? थैंक यू जीविका। ओके आदि, ओहो रावत जी, सो लाइक आई सेड, जो भी आपके डेजर्ट में प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स हैं, उस हिसाब से उन्हें सर्वाइव करने ही पड़ता है, तो फीचर्स भी उसी हिसाब से होंगे, ठीक है? अगर मैंने आपको बोला ट्रांसपिरेशन कम होगा तो कम होगा, अगर फोटोसिंथेसिस लीव्स के थ्रू नहीं हो सकती तो फिर दूसरा पार्ट उन्हें यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्टेम, एंड वो स्पेशलाइज होते हैं स्टेम, उसी हिसाब से उनके स्टेम में बीच बीच में पोर्स होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है? तो इसी हिसाब से होता है। ओके राजेश, अच्छा लेट मी एक्टिवेट, मैं भूल गई एक्टिवेट करना, आई एम सो सॉरी। स्पेल भी आज नहीं है फिलहाल। मैं एक मिनट सबको कोड शेयर कर देती हूँ। ओके वेरी गुड आशिता, हार्डी डिफरेंस बिटवीन पेंगुइन एंड डोरेमोन लेग्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्या बोलूं, व्हाट इज द डिफरेंस, सो व्हाट कैमल्स ईट, ओके से लेट्स से कि आपके और भी चीजें होती हैं बच्चों, लाइक ग्रास वीट ग्रेन्स, तो वो सब वो खा लेते हैं कैमल, नॉट ओनली लीव्स ही एक ऑप्शन नहीं बचा है। चलो लेट्स स्टार्ट, द कोड इज 8835396565। हाय सारथ, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फटाफट से, एंड सारे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ डू अडैप्टेशन हेल्प एनिमल्स, आपके सामने सारे ऑप्शंस है, प्रीडेटर्स के उनसे बचने के लिए, हाइड करने के लिए, हंट फॉर फूड, सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। मैम आई एम गुड आर्या, मैम हाउ कैमल ओवरकम इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स, द थिंग इज जो भी वाटर से आपके न्यूट्रिएंट्स से जो भी चीज़ें मिलनी होती है, दे स्टोर द फैट इन देयर हम्प, तो जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वो अपने फैट से भी ऑब्टेन कर पाते हैं। भगवान गलत मत कर देना, गेस इट इज ऑल ऑफ दीज, नहीं इतना ट्विस्ट नहीं किया इस बार मैंने मेंटी, डोंट वरी, आई एम गुड अरुणिमा। ओके सो वी हैव कीर्ति ऑन टॉप, तनीशा, मोहम्मद तालिब, यू आर ओपी, एंड यशवर्धन, तन्मय, भाव्या, आर्या, तितली, मॉनिटर, मतलब कितना अलग साउंड करे, तितली भी और मॉनिटर भी और ओपी भी। ओके यह आदित्य इज बैक नाउ, देरिया एंड अनुप्रिया, वैसे मैम सही गया। ओके मैम आजकल भविष्य तो बिल्कुल नहीं आता, हाँ भविष्य क्या हो चुका है पता नहीं, एंड एनिमल्स
color or pattern that helps it blend into the surroundings is what, according to you? Environment, mimicry, camouflage, or habitat? Bataiye. Nahi, Purva, not ignoring. So what is the answer? Tell me. Hi, Pulkit. Guys, trust my answers. I make it to you at top of the leaderboard. Bhavishya seeing his Bhavishya. Oh God, comments ऐसे आते हैं ना? मैम इमेज नहीं आ रही. कोई नहीं बच्चा इमेज नहीं भी आ रही तो उसमें कुछ नहीं है. The answer is camouflage. Like I said, to hide from something, to hide something in the environment. Like it can be a predator or anything. जो भी उन जिससे भी उन्हें डर है. ठीक है, तो वो अपना कलर और अपना पैटर्न चेंज करके दे कैन हेल्प देमसेल्फ टू हाइड. चलिए, इजी है बट कंफ्यूजिंग है. ओके, यू कैन गेट कंफ्यूज विद द टर्म्स, नो वरीज. हम चैट में मोइंटे की बात चल रही है, बता दो किस मोइंटे की बात चल रही है. सो वी हैव कीर्ति, मोहम्मद तालिब, आदित्य एंड तनिषा, आर्या, यशवर्धन, सुप्रकांता, अभीर, ओके एंड भव्या एंड प्रकार मिश्रा. लेट्स मूव ऑन. थैंक यू पुलकित. मैम मिमिक्री आती है आपको? नहीं, मैं एनिमल्स की तरह मिमिक्री तो नहीं कर सकती, बट मेरे को आई थिंक आप सबको मेरी मिमिक्री करनी आती है. आप हर टाइम करते रहते हो. सो हेलो बच्चों, नहीं बच्चा, ये सब मिमिक्री करते रहते हैं, स्पेशली आ रहे हो. ओके, द सोर्स ऑफ ऑल इज जेनेटिक मटीरियल. ये तो सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक जर्नल साइंस का क्वेश्चन है. प्रोटीन सेल्स, डीएनए या द ब्रेन? फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन? जेनेटिकली. वेरी गुड. हाय सरोज. ओके, व्हाट इज द आंसर? सबने सही बोला है. मैम आई नो योर मिमिक्री. अच्छा ठीक है आशिता, तो आप टेक्स्ट में लिख के बता दो कैसे बोलते हैं मैम. आई एम गुड फ्यूरियस क्रिएटर. द आंसर इज डीएनए. वेरी गुड. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. मैम आपको मैं याद हूँ, ग्लैड टू हेयर माई नेम. हाँ, एक दो दिन मैं गलत बोलूंगी नाम, फिर तीसरे चौथे दिन को याद हो जाता है. हाँ, वेरी गुड शरद. आई एम गुड फ्यूरियस क्रिएटर. चार बार नहीं भी पूछते थे मैं तब भी बता देती. सो वी हैव मोहम्मद तालिब एंड सुब्रकांता, अभी, भावी, यशवर्धन, जयंत, इशाना, यशवर्धन, शगुन, कीर्ति. क्या बात है मैम. आर यू एन ओपी टीचर? आंसर इज यस. इतना ओपी ओपी करके मेरे को अब सपनों में भी ओपी आता है. थैंक यू नव्या. मैम आपको समोसा पसंद है? वी नीड टू नो. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्यों जानना है? स्पेशल क्लासेस बच्चा अभी मैंने फिलहाल नहीं करी है स्केड्यूल, बट मैं आज कल मैं कर दूंगी तो मैं आपको बता. ओके, सो समोसा मुझे बहुत पसंद है अगर चटनी साथ में हो तो. व्हाट जेनेटिक चेंजेस अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव नेचुरल सिलेक्शन इन द एनवायरनमेंट? लर्न बिहेवियर, एक्वायर ट्रेट्स, एनालॉजीज या अडैप्टेशंस? यू नो द आंसर. इसी में पूरा सेशन है. अब इसे कहते हैं क्वेश्चन घुमा के, बट आंसर वही था. मैम आपको ओपी का फुल फॉर्म पता है? आपको क्या लगता है बिना ओपी के फुल फॉर्म के ओपी बोलती हूँ? नहीं, आई नो दैट ओवर पावर्ड, बट मैं बोलने वाली थी ऑमलेट पकोड़ा. मोहम्मद तालिब एंड वी हैव अबीर, भावे, यशवर्धन, जयंत, इशाना, यशवर्धन, शगुन, कीर्ति एंड तनिषा ऑन द लीडर बोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. सो मैं क्लैपिंग्स कर देती हूँ जो अभी तक टिके हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द डिफरेंट शेप्ड बीक्स? ओके, सो वी ऑल नो कि बीक्स अलग अलग होती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं, डक की बहुत अलग होती है,
देन आपके नॉर्मल बर्ड्स लाइक स्पैरो और कोई सी भी आप ब्रीड ले लो, ठीक है, थिंग इज उनकी स्पीशीज बहुत अलग अलग बीक होती है, लाइक शार्प बीक भी होती है, बहुत लॉन्ग बीक भी होती है, छोटी बीक भी होती है, राइट? अच्छा हार्डी, हेलो एवरीवन, हाय आर्या, हाय पैशल, ओके सो आई एम लाइव, सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड। अच्छा आर्या ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छी मेरी मिमिक्री करी है। एडवांटेजेस सी, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की बीक्स दिखती हैं, कभी भी अलग अलग टाइप की जो आपकी बर्ड्स होती है सबकी अलग अलग बीक्स होती हैं, स्पीशीज सेम स्पीशीज में नहीं, अलग अलग स्पीशीज में, राइट? सो वो क्यों होती है? बेसिकली अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा तो द थिंग विल बी फूड, जिस तरीके का वो खाना खाते हैं। अब जैसे कि अगर उनकी शार्प है, काफ़ी लंबी है, सो दैट वो बिल्कुल ग्राउंड में घुस के इंसेक्ट्स को खा सके, सो उनकी उस हिसाब से होगी। अगर उनकी ब्रॉड है तो वो जिस हिसाब से खाना, जिस हिसाब का साइज का खाना होगा, उस हिसाब से उनकी बीक भी उतनी बड़ी होगी, राइट? तो बीक सब कुछ खाने पे डिपेंड करती है। मैम हैव टू गो फॉर डिनर, श्योर। मैम मैं जलेबी खा रहा हूँ, क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे तुम सब? स्प्रेड द निश, यस स्पेशल, बिल्कुल आपने सही बोला है। So Mohammed Tareef and Jayan Shagun are the top three winners right now. Aditya and Nem are fans are here. Kirti, Subrakanta, Avi, Roshni, San, Bhavya, Yashwardhan hai my leaderboard mein. So Messi ke fan kaha rahe gaye? Ma'am, aapka naam kya hai? Aisa bolne wala doctor se contact kare. Question number 6. Ma'am, sachi sachi batana. क्या मैंने आपको कभी भी बोला है कि यू आर इग्नोरिंग मी? मैं सच्ची सच्ची बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला आर्या ने। मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी दुनिया में बच्चा। ओके, व्हाट अडैप्टेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज? यू कैन सी द इमेज, और आपसे प्लांट्स के बारे में पूछा जा रहा है, अभी एनिमल के बारे में नहीं पूछा जा रहा। इज इट डोरमेंसी, कॉमिफ्लेज, हाइबरनेशन और सीड डिस्पर्सल? हाय दीपाली, हेलो एवरी वन, हाई, सो एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? टेल मी गाइज, टेल मी गाइज तो मैं नहीं बोलती वैसे, बट गुड मिमिक्री वैभव। मैम यू आर इग्नोरिंग मी, मैं तुम सबकी मिमिक्री करूँ? मैम यू आर इग्नोरिंग मी, मैम मैम मैम, और एटलीस्ट 10 से 15 बार ये बोल दो, फिर उसके बाद ओके। ओके सो द आंसर इज सीड डिस्पर्सल, आई वॉज गोइंग टू से स्पीड, सीड डिस्पर्सल है आपका इमेज में, इट वॉज वेरी क्लियर। एंड हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन इज समथिंग जब आपके लाइक आई सेड टर्टल्स होते हैं, वो विंटर सीजन में वो बिल्कुल स्लीपी मोड में होते हैं और कम खाना खाते हैं, कम मूवमेंट रखते हैं, दैट इज हाइबरनेशन स्टेट, ठीक है? तो मोहम्मद तालेब, जयन, शगुन, आदित्य, कीर्ति, सुब्रकांता, नेमार फैन, भाव्या, नैतिक एंड यशवर्धन है हमारे लीडर बोर्ड में। आई केम लेट, नो प्रॉब्लम बच्चा, आप मिनटी में अभी भी आ सकते हो। हाय प्रदीप, इज दिस दनिष्ठा? हाय एवरीवन, अच्छा लेट ओपी मैम के आने से पहले लेट ओपी, वाह वाह। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, ओला सब रेगुलर हो रहे हैं दिन बर दिन, सो देन यू से दैट आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक। माय गॉड अशिता, अशिता का मिमिक्री सुन के मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ काफ़ी, कि बिल्कुल बिल्कुल लाइन टू लाइन बोला अशिता ने, बिल्कुल सही है ये, मतलब तुम्हें मेरी आदत होती जा रही है, हैबिट होती जा रही है, अडैप्ट कर रहे हो तुम फीचर्स को। यस पुलकित, आप निकनेम रख दो पुल्लू, नहीं पैशन ने तो नहीं बोला है, मजाक में बोला होगा एक दो बार बस। मैं क्योर हूँ, अच्छा ओके, सो स्पीशीज द राइट आंसर, वेरी गुड एवरी वन, लेट्स सी लीडर बोर्ड, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, एंड लीडर बोर्ड में देख लेते हैं। मैम मेरे घर में आलू की सब्जी बनी है, तुम मतलब जलेबी भी खा रहे हो, तुम आलू भी खा रहे हो, नॉट फेयर। मैम आपके लिए समोसा लाई हूँ चटनी के साथ, गेट खोलो वरना समोसा ठंडा हो जाएगा, अरे चिढ़ाओ मत मेरे को प्लीज। मोहम्मद तालेब, एम यश, शगुन, आदित्य, कीर्ति, यशवर्धन, जयंत, तनीषा, प्रकार मिश्रा, अभी रोशनी एंड देन वी हैव यशवर्धन ऑन द लीडर बोर्ड, वेरी गुड एवरीवन।
आगे बढ़ते हैं इसी बात पे एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. आई थिंक ये मेंटी ओवर नहीं होगा, 10 मिनट्स आर लेफ्ट. ओके तो हम 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, वही काफी है, स्टाइल है. ओके मैम आज कोई और मेंटी नहीं होगी, इर्तिजा बच्चा एक ही होगी. ऑल दो मैं स्पेल भी आपको कल जरूर कराऊंगी, डोंट वरी. मैं जान मूछ के बोलता हूँ, बिल्कुल सही. हाँ जी आयुषी, थैंक यू सो मच ईशाना. ओके आंसर वाज बीइंग द सेम कलर एज द प्लेस इट लिव्स कैमोफ्लेज. द फीचर हेल्प्स एन एनिमल हाइड फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्रीडेटर्स, यू कैन से दैट इज कैमोफ्लेज. ठीक है, ऑलवेज हाइड लिखा है तो कैमोफ्लेज टर्म होगा. ठीक है मैम, बहुत पिज्जा नहीं खाते, करेले का जूस पीते हैं, ये बात सही है. 15 क्वेश्चंस चाहिए बच्चा, मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती 5 मिनट्स से ऊपर, और क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा. थैंक यू रॉयल गेमर्स. सो वी हैव मोहम्मद तालिब, आदित्य इज बैक नाउ, कीर्ति, यशवर्धन, जयंत, तनिषा, प्रकार, मिश्रा, शगुन, यशवर्धन एंड अभी. ओके नहीं इर्तिजा बच्चा, आई एम सो सॉरी मैम, मैंने बोला था कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो. मैम आपने बोला था अशिता, ओहो कोई नहीं. A giraffe has a long neck in order to better reach the leaves to eat. This is an example of what? Very easy. आप सबको पता है टर्म, इसलिए मैंने दिया है टाइप करने के लिए. मैम मेरे को आपकी क्लास में आते सिर्फ 2 weeks हुए हैं, can't believe ना, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं. अच्छा 2 weeks, नहीं 2 weeks तो नहीं हो सकता क्योंकि आ रहे तो भाई पिछले महीने से. ओके प्रणीति, नो प्रॉब्लम. ओ माय गॉड, इट इज योर अडैप्टेशन. मैं इतना टफ क्यों दूंगी बच्चा. ओके हाइबरनेशन, इवोल्यूएशन, ओके बायोटिक अडैप्टेशन, नहीं पता, ये भी आंसर हो सकता है. एवोल्यूशन मैं मान सकती हूँ एंड अडैप्टेशन वुड बी राइट. और कुछ नहीं, कार्निवोर्स नहीं आंसर, ईटिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग, मेक सेंस. रॉयल गेमर्स को 1 महीना हो चुका है, मैं बस चैट नहीं करता था, क्या बात है. ये वही बच्चे जो चुप बैठे रहते हैं. ओके लास्ट क्वेश्चन मैम, सी आर्यास डीपी योर चाइल्डहुड पिक्चर. ओहो आर्या, मैंने तो देखा ही नहीं, थैंक यू सो मच लगाने के लिए. प्लांट्स विथ स्पाइंस एंड वैक्सी लीव्स आर वेल सूटेड फॉर लाइफ इन विच एनवायरमेंट. आर्य को काफी पसंद आ गया मेरी चाइल्डहुड पिक्चर. आई थिंक तुम सबको कहाँ से मिली, वहीं से ना जो चाइल्डहुड मेंटी हुई थी सारे एजुकेटर्स की. यस आई एम बिकमिंग बिग सिस्टर, कंग्रेचुलेशंस टू यू, इतनी सारी खुशी. ओके सो प्लांट्स विद स्पाइंस एंड वैक्सी लीव्स आर वेल सूटेड फॉर लाइफ इन विच एनवायरमेंट. वी ऑल नो द आंसर, दैट इज योर डेजर्ट एंड लेट्स सी द फाइनल टू. Thank you, Beshel. Thank you so much. And congratulations, bachcha. Haan, Arya, wo mujhe pata hai. So we have Mohammed Talib, Aditya, and we have Tanisha. Well done. Okay, isko main continue karungi. Don't worry. Theek hai, 5 questions reh gaye hain abhi. Theek hai? Aur aapka spell bhi hoga. So tension mat lo. Mera pen kahan hai? Mil gaya. Thank God. ओके सो द फर्स्ट पोजीशन में कौन है आज, मोहम्मद तालिब, कंग्रेचुलेशंस. और ये मैंने पेन उल्टा रखा था. ओके
Congratulations, Talib. And then we have Aditya. Very good. Then we have Tanisha. Excellent. I think Tanisha or Talib or Aditya बहुत कम बोलते हैं लाइव चैट में. ओके सो डू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर जो भी आपका डिवाइस है. डू लाइक द वीडियो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हाँ जी नहीं आदित्य आप सेकंड पोजीशन में हो. थैंक यू सो मच अनुप्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पोएम. हाय सुगंधा. हाँ पैशल अब क्या करे तुम्हारी मैम फूडी है बचपन से इसलिए. ओके सो बाय एवरीवन मिलते हैं कल 11 बजे ठीक है.